ये रहा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिसमैन है जो कि थीफ को नोटिस करता है और 300 मीटर पे जब थीफ पहुंच जाता है तब पुलिसमैन उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, जिसमें जो थीफ है उसका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिसमैन है ऑब्वियस सी बात है वो तेज़ भागेगा तभी वो पकड़ पाएगा उसको, यानी कि उसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 3 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितना दूरी रहेगा। देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन है वो हमारे रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को पता होगा रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर दोनों दोनों जो थीफ और पुलिस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए वी ऑफ पुलिस माइनस वी ऑफ थीफ, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इसका रिलेटिव स्पीड है ये कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ना 3 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितना दूरी होगा। तो ये हम लोग पहले पता करते हैं कि उन लोग का रिलेटिव स्पीड से उन लोग का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 3 मिनट के बाद कितना रहा होगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम एट द एंड ऑफ 3 मिनट, 3 मिनट पे वो लोग का डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो 1 × 5/18 करेंगे, जैसे ही हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर में पूछा है। ठीक है, तो 5/18 इंटू में ये 3 मिनट है, तो 3 × 60 कर देंगे तो ये हमारा सेकेंड में आ जाएगा। 36/18 यानी कि इन दोनों के बीच में 50 मीटर का फासला है। अब देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ये है हमारा थीफ, ये है हमारा पुलिस और ये है हमारा थीफ। इन दोनों के बीच में 300 मीटर का दूरी पहले था, लेकिन 3 मिनट होते होते तक ये 50 मीटर अपना कवर कर चुका है। तो अब इन लोग दोनों के बीच में कितना का दूरी रहा होगा। ये अगर 50 है, ये टोटल 300 है, तो जाहिर सी बात है ये 250 मीटर होगा। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि एट द एंड ऑफ 3 मिनट कितना हमारे पास हो जाएगा, 250 मीटर का फासला रहा होगा। ठीक है, थैंक्स।